तो सिर्फ आप करनाल के कैमला गांव से देख रहे हैं, जहां पर जो अंदर किसान घुस चुके हैं और हेलीपैड को उखाड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो पंडाल है उसको तोड़ते हुए किसान पंडाल को तोड़ते हुए पंडाल जो स्टेज है स्टेज को स्टेज से जो मंत्रियों को निकालते हुए यहाँ से अभी देखिए कि जो मंत्रियों को निकालते हुए मंत्रियों को यहाँ से ले जाते हुए हमको अपनी बात करने का अधिकार है, करने का हक है। अब कैंसिल है प्रोग्राम, अब सम्मान हो गया, सीएम साहब नहीं आ पाए। तो आप देख सकते हैं जो मंत्री हो धनखड़ यहाँ पर मौजूद है, उनको भी यहाँ से साइड ले जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान उग्रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पंडाल है उसको किसानों के द्वारा तोड़ दिया गया, पूरे पंडाल को आप देख सकते हैं। हरियाणा कल्याण को यहाँ से पुलिस के द्वारा पुलिस बल के साथ यहाँ ले जाते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कुर्सियाँ फेंकते हुए कुर्सियाँ किसानों के द्वारा पूरे पंडाल को तहस नहस करते हुए पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। पूरे पंडाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री के पंडाल को किस तरह से तहस नहस करते हुए पंडाल को तहस नहस करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। किस तरह से ये स्टेज थी बचा भाई पंडाल को तोड़ दिया, तहस नहस पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। पूरे पंडाल को कई जिलों की पुलिस यहाँ पर तैनात थी, लेकिन नहीं बचा पाए। हेलो, जल्दी करो सर, जल्दी। आपको बता दें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाई गई थी, जो बैंक वो पंडाल बनाया गया था वो तोड़ दिया गया, बिल्कुल स्टेज को तोड़ दिया गया, सोफों को फेंक दिया गया, जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया, बिल्कुल जो भी पूरा तहस नहस, बिल्कुल कुर्सियों को फेंक दिया गया, बिल्कुल पूरा पंडाल बिल्कुल तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में किसान अंदर घुस चुके हैं पंडाल के अंदर, हेलीपैड को उखाड़ दिया गया, स्टेज को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, बिल्कुल जो पूरी स्टेज है बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। हालांकि बिल्कुल करनाल की स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण, काफी संख्या में जो किसान यहां पर मौजूद हैं, किसानों के द्वारा पूरी जो पंडाल है उसको तोड़ दिया गया है, कुर्सियों को फेंक दिया गया है, सोफे का म्यूजिक सिस्टम सबको फेंक दिया गया, सबको तोड़ दिया गया। यहां पर बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति, बिल्कुल जहाँ पर कुर्सियाँ जो बैरिकेडिंग जो पंडाल था बिल्कुल वहाँ पर बैनर लगे थे उनको फाड़ दिया गया, जो मंत्री यहाँ पर ओपी धनखड़ पहुँचे थे उनको सुरक्षा बल के अंदर बाहर यहाँ से निकाला गया, सुरक्षा बल के अंदर यहाँ पर सेफ साइड में उन्हें ले जाया गया। और किसान काफ़ी संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं जो पूरा गमले यहाँ पर लगाए गए थे सजावट का सामान था बिल्कुल तहस नहस करनाल के जो कैमला गाँव में। उन्होंने तोड़ दिए टेंट, किया कब्जा, देखिए ध्यान से देखिए इन पर आंसू गैस के गोले, पानी की बुछारे, प्लास्टिक की गोलियां तो चला दी, लेकिन आज किसान रुक ना पाया और अपने काम मंसूर में एक साल हो गए। ये देखिए सियाम की गली की कोशिश कर रहे थे।
जी साहब, हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस के एसपी, डीएसपी और जो अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी यहां पर मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल शांत खड़े हुए नजर जरूर आ रहे हैं। वो लाचार दिखते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई जिलों की पुलिस यहां पर बुलाई गई थी और उसके बाद भी यहां पर जो किसान अंदर पहुंचे हैं, बिल्कुल प्रोग्राम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल भयावह जरूर है, क्योंकि जहां पर जो स्टेज है उस पर किसानों का कब्जा है। इस समय जो अंदर का जो पंडाल बनाया गया उसमें किसानों का कब्जा है, जो किसान यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस बिल्कुल लाचार नजर जरूर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारियों को भी काफी चोटें लगी हैं। हालांकि जो कुछ किसानों को भी इसमें चोटें आई हैं और जो कुछ मीडिया कर्मियों को भी काफी इसमें गंभीर रूप से घायल जरूर हुए हैं, और जो यहां पर जो मंत्रियों को पुलिस सुरक्षा के अंदर बीच से यहां से निकाला गया है। जी शाकिर, जो करनाल पुलिस मौके पर खड़ी है, जो पुलिस बल काफी संख्या में है, लेकिन कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लाचार से जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों के तो द्वारा पहले ही आह्वान किया गया था कि वो प्रोग्राम को नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के गरोंडा से विधायक अरविंदर कल्याण उनकी तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और जो हमारे बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो कुर्सियां जो बनाई गई थी, जो बख्शीश सिंह, जो आप देख सकते हैं जो बख्शीश सिंह के लिए जो मंत्री एमएलए पूर्व हुए उनके लिए कुर्सियां बैठने के लिए बनाई गई थी, उनको बड़ी बुरी तरह से तहस नहस किया गया है, उनको तोड़कर फेंक दिया गया है। जो गमले यहां पर रखे गए थे, जो बोर्ड लगाया गया था पीछे का जो बोर्ड होता है, जो किसान महासम्मेलन का बोर्ड था, उसे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। करनाल पुलिस बल यहां पर काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं लाचार होता हुआ नजर जरूर आ रहा है पुलिस बल। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो करनाल के कैमला गांव से हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए मंच बनाया गया था, किस तरह से मंच को तहस नहस किया, और ये आप देख सकते हैं कि जो